अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अरूश। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि बिल्कुल 5 मिनट में तैयार होकर रेडी हो जाएगी। तो इसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने 4 पीसेज ये लिए ब्रेड के, 2 अदद अंडे लिए, सब्ज़ धनिया कटा हुआ, चौकी हुई शिमला मिर्च 1 अदद, 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक काट लिया, और 1 अदद टमाटर, इसे मैंने चॉप कर लिया था, हसबे ज़रूरत नमक, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा 3 चुटकी के बराबर है, और 3 चुटकी के बराबर ही काली मिर्च है, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसको ऐसे कट कर लेंगे, जो अंदर वाइट ब्रेड है वो हम इसको बाहर निकाल देंगे काट के। जी तो अब ये इजीली बाहर निकल जाएगा, और हमें ये चीज़ चाहिए। इसी तरह मैं तमाम पीसेस को रेडी कर लूँगी। ये तो 3 पीसेस यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो चले हम अपने आगे की तैयारी करते हैं जी। तो अब मैं बाउल में अंडे तोड़ के डालूंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ धनिया, कटे हुए टमाटर, चॉप किया हुआ प्याज और कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो ये मिक्स हो गया अच्छे से। जी तो एक पैन लेंगे हम, इसमें 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे घी, इसको थोड़ा सा फैला देंगे। और जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने रेडी किए तो वो मैं इसमें रखूंगी, और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। आंच को हमने तेल में रखना, और जो हमने अंडों में डाले थे सब्जियां वो हम इसमें डाल देंगे। हल्की आंच पर हम इसे पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और ऊपर से मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। जी तो 2 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। इसकी साइड हमने बिल्कुल नहीं चेंज करनी, ऊपर हमने बस स्टीम से इसको पकाना है। तो ये अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए इस तरह का रेडी हुआ है, और इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूंगी। जी तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा यमी सा ब्रेकफास्ट, जो कि बिल्कुल 5 मिनट में बनके रेडी हो चुका है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और आप भी इस तरह के मज़े मज़े के खाने बनाकर खाते रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।